फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। कई दिनों से मेरे चैनल पर मीशो हॉल नहीं आया है और लोग बड़ा दबा के बोलते हैं कि नीमा जी मीशो हॉल कब आएगा, जल्दी से बताओ। तो मैंने कहा भाई चलो ट्राई कर लेती हूँ मीशो के कुछ प्रोडक्ट्स को। तो इस बार मैंने कुछ नई कैटेगरी ट्राई करी है जो कि है टी शर्ट्स की। मज़ा ही आ गया। 5 टी शर्ट्स मैंने मंगवाई हैं और जो कि है आप बिलीव नहीं करोगे अंडर 200 रुपीज़। आप मान सकते हो मैंने जो अभी टी शर्ट पहनी है 200 रुपये से भी सस्ती है, नहीं मान सकते ना। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 और टी शर्ट जो कि अंडर 200 रुपीज़ आपको मिल जाएंगी बहुत ही आराम से। सबसे पहले बात करती हूँ मैंने जो अभी टी शर्ट पहनी है, पहली बार मैंने लेवेंडर कलर पहना है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने ऊपर। आप बताना कि मैं कहीं गलत फहमी में तो नहीं हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है? आप बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये एक स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, आप देख सकते हो बहुत ही मस्त फिटिंग आती है इसकी। स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ, इसके स्लीव्स का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर भी ना यही वाला फैब्रिक लगा हुआ है जिससे कि इसकी फिटिंग यहाँ से काफ़ी अच्छी हो जाती है, बार बार स्लीव्स ऊपर नीचे नहीं भागते हैं। हाई नेक है इसमें तो लुक इसकी बहुत अच्छी आने वाली है। फिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक होने वाला है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ, ये काफ़ी अच्छी लेंथ का है, ये क्रॉप टॉप नहीं है, छोटा आपको नहीं होगा। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे। अंडर 200 रुपीज़ के अगर आप टॉप ट्राई करना चाहते हो तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। अगर आपको भी मेरी तरह बहुत सारे कपड़े रखने का शौक है और नहीं चाहते हो कि भैया इतने महंगे ले लूँ कि एक ही पहनते रहूँ, इससे अच्छा है कि आप सस्ते ले लो और बहुत सारे पहनो, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। मुझे ये बहुत अच्छे लगे। एक मैंने मंगवाया है येलो कलर का टॉप, ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी लुक है इसकी। इसके जो नेक है ना यहाँ पर रफल बने हुए इस तरीके से, बैक साइड से आपको बटन मिलता है, अदरवाइज सर घुसाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर पीछे से भी ये ओपन नहीं होगा तो बटन मिलता है। जब आप इसे खोलोगे पहन लोगे तो ये भी हाई नेक की लुक देगा। स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ, इसके स्लीव्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और इसमें ना इलास्टिक लगा हुआ है, तो जब यहाँ तक स्लीव्स आएंगे इलास्टिक आ जाएगा तो उसकी लुक काफ़ी अच्छी आएगी। वैसे मैं आपको पहन के दिखाई रही हूँ तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसी होने वाली है ये। ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं है तो अगर आपका साइज़ देख लेना और बिल्कुल देख दाग के ही साइज़ मंगवाना क्योंकि ये स्ट्रेचेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देखो फट जाएगी पर स्ट्रेच नहीं होगी। लेंथ की अगर मैं बात करूँ, इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। मैंने बहुत ज़्यादा छोटी टॉप नहीं पहना क्योंकि भाई मेरी फिगर ऐसी नहीं है, मेरी बॉडी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत शॉर्ट टॉप पहनूं। बट हाँ मैंने ट्राई किया है कि अच्छी खासी लेंथ वाली टी शर्ट्स मंगवाऊं जो कि जीन्स के साथ आप बहुत ही आराम से पहन सकते हो। कुछ लोग शॉर्ट टी शर्ट्स भी पहनते हैं, मैं भी पहन लेती हूँ कभी कभी, बट ये वाली शॉर्ट नहीं है, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहती हूँ। काफ़ी प्यारा सा कलर है, मैंने इस बारी कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करी है, जैसे कि ये रेड। मैंने कभी रेड कलर की टी शर्ट नहीं पहनी, मैरून कलर की टी शर्ट भी नहीं पहनी शायद, पता नहीं। पता दिक्कत क्या होती है, मैं बोलती हूँ नहीं पहनी और अगले दिन ही वही पहन के वीडियो बनाने लग जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कल तो कह रही थी नहीं पहनी। ये वाला एक क्रॉप टॉप होने वाला है बिल्कुल प्लेन, तो ये मैंने मंगवाया है। मैंने एक्चुअली ना एक वाइट कलर का क्रोशिया का वो मंगवाया है, कार्डिगन जो होता है ना बिल्कुल पतला सा शर्ट जैसा, तो मैंने उसके लिए इसे मंगवाया ताकि मैं ऊपर से वो पहन लूँगी ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल प्लेन है, ये आपको आई थिंक 175-180 रुपीज़ का आराम से मिल जाता है। फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही हल्का स्ट्रेचेबल होने वाला है। ये जो मुझे लगेगा ना कि लेंथ में थोड़ा सा छोटा है तो मैं उसका ट्राई ऑन नहीं दिखाऊंगी, मैं जिनमें कंफर्टेबल होंगी मैं उनका ही ट्राई ऑन दिखाऊंगी। अदरवाइज़ मैं इनके जो ये शॉर्ट टॉप हैं, क्योंकि मैंने खुद इसके लिए अभी अपर मंगवा रखा है अलग से पहनने के लिए, तो मैं इनका ट्राई ऑन आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। हाँ एक्चुअल फ़ोटो जो मीशो पे है वो मैं साइड पे यहाँ पे लगा दूंगी और प्रोडक्ट कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ, मैंने इसका साइज़ मंगवाया है, इसमें साइज़ ही नहीं मेंशन है, वैसे मैंने एल साइज़ मंगवाया है इसका। सिंपल सी टी शर्ट होने वाली है ये बिल्कुल प्लेन, कुछ भी वर्क इसमें नहीं है, बट हाँ इनकी जो लुक होती है ना वो इनकी फिटिंग से आती है। आपने लो वेस्टेड जीन्स पहन रखी है, ये पहन रखा है, इसके ऊपर कोई श्रग वगैरह ले लो, बहुत मस्त लुक आती है। नेक्स्ट है मेरे पास ब्लैक कलर की, क्योंकि आजकल मेरे हॉल वीडियो में ब्लैक कलर होना कंपलसरी हो गया है। मैं ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहनती हूँ आजकल। ये भी एक हाई नेक टी शर्ट है जैसे कि मैंने अभी पहन रखा है, बट इसके स्लीव्स बिल्कुल प्लेन होने वाले हैं। ये बिल्कुल क्लासी टी शर्ट्स जो होती है ना वो होने वाली है, बिल्कुल प्लेन, कोई इसमें वर्क नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, तो आप इसे कई तरीके से एक्सेसराइज कर सकते हो। जैसे कि इस तरीके का कोई ज्वेलरी पीस पहन लो तो पूरी लुक ही चेंज हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, ये भी हल्का स्ट्रेचेबल नहीं, काफ़ी स्ट्रेचेबल है। मेरे को लग रहा था हल्का स्ट्रेचेबल है, नहीं, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच हो जा रहा है ये फैब्रिक। स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ, इसके स्लीव्स छोटे हैं, मतलब यहीं तक आएंगे, बहुत ज़्यादा
3/4 स्लीव्स इसके नहीं हैं, छोटे से स्लीव्स होने वाले हैं इसके। इनकी लुक बहुत अच्छी आती है इन टी शर्ट्स की, जो बिल्कुल प्लेन होती है ना, बिल्कुल क्लासी लुक लगती है इनकी। एक मैंने मंगवाया है ये वाला टॉप, इसमें मेरे पास पहले से ब्लू और मस्टर्ड कलर था, बट हाँ अंडर 200 रुपीज़ में ये टॉप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें आपको ना यहाँ पर सेंटर में दो लाइंस मिलती हैं। ये अभी रीसेंट ट्रिप में मेरी सिस्टर ने पहनी थी, मेरी छोटी सिस्टर जो है ब्लू कलर में, तो उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। मैंने तो ये पहनी नहीं अभी तक, बट हाँ उसने ये पहनी थी और ये बहुत अच्छी लगती है। ये आप देख सकते हो, इसमें आपको इतना स्ट्रेचेबल फैब्रिक मिलता है, बट वो जो ब्लू वाली थी ना उसमें आपको नेक पे जिप मिलती थी तो सर घुसाने में आसानी हो जाती थी, बट इसमें ऐसी कोई जिप नहीं मिल रही। अब सर घुसा के देखना पड़ेगा कि घुस भी रहा है कि नहीं घुस रहा है। ये आप देख सकते हो मैरून कलर की, इसे आप वाइट कलर की स्कर्ट के साथ या वाइट कलर के ट्राउज़र के साथ पहनो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा कलर है ये। मैंने इस बारी रेड मैरून ट्राई किया है फर्स्ट टाइम, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अंडर 200 रुपीज़ की टी शर्ट्स हैं ये। आई थिंक ये वाली जब मैंने मंगवाई थी अंडर 200 थी, अभी आपको आई थिंक 250 के आसपास मिलेगी। अदरवाइज़ ये चारों, जी हाँ ये तीनों और जो ये मैंने पहने हैं, ये तो अभी भी आपको अंडर 200 रुपीज़ आराम से मिल जाएगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इन्हें, सबके प्रोडक्ट कोड मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया था, वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मीशो से क्या प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो, मेकअप प्रोडक्ट का, क्लोथिंग का, मेकअप का, या फिर किसका देखना चाहते हो, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो प्रोडक्ट मंगवा लूँगी। वैसे मैंने अभी ज्वेलरी भी मंगवा रखी है, तो आपके साथ ज्वेलरी हॉल भी मैं मीशो का शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया था, वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।